हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं नमस्ते, मैं हूँ अब्दुल मजीद नासिर, लेकर आया हूँ आपके लिए इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी सिंगर्स के ऊपर रिएक्शन। अब ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब पे बंच और रिएक्शन को अपना कंपेटिटर समझ के उनकी जो भी वीडियो अपलोड हो उसके ऊपर मैं अपनी व्यू। अबे साले, सबसे पहले आ जाती है तुलसी और सहर। अब ये मैं पहले बता दूं आप लोगों को, क्योंकि मैं एक गाने सुनने वाला बंदा नहीं। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। तुलसी इससे दोनों ने मुकाबला बड़ा अच्छी तरह किया था, मगर आपको पता था चलना तुलसी खूबसूरत है। तुलसी जिस तरह हमें देने लगी हुई है, हमें लगता है इनको ही वोट देना चाहिए, वोट के साथ साथ दिल भी दे देंगे हम आपको, मगर हम खूबसूरती के ऊपर रैंक नहीं कर रहे। तुलसी की आवाज थोड़ी सुरीली है, इस वक्त जाएंगे हम इंडियन वाली साइड पे, तुलसी को हम वोट देते हैं नंबर वन। अब दूसरा कंपेरिजन हम करेंगे, जिसमें हम करेंगे धर्मेश और मुस्तफा का। धर्मेश भाई शुरू करें। धर्मेश भाई ये गलत बात है, आपने अपना फेमस गाना चूज किया है, आपको इस जगह पे -1 वोट दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कमेंट्स में मैं अनफेयर हूँ तो भाई दिन कमेंट कर दो, ठीक है, सीधी सीधी बात है। मुस्तफा भाई आप शुरू करें, धर्मेश भाई आप पॉज कर दें, आप एक मिनट रुक जाएं। आप वो तेरी याद में हजारों रंग के। अरे मुस्तफा भाई ने भी अपना फेमस गाना चूज किया, ये क्या मुस्तफा भाई, आपने टैटू बनाया, टैटू की वजह से सुनना पड़ेगा दोबारा। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। इस बार मैं वोट दूंगा मुस्तफा भाई को, इसलिए नहीं कि इनकी दाढ़ी का स्टाइल मेरी जैसा है, मगर इन्होंने बिल्कुल अच्छा गाना गाया। असल में मुझे स्लो सॉन्ग्स वगैरह, लो ट्यून, हल्का सा गिटार वगैरह, इस तरह की चीज़ें पसंद है, इसी वजह से मुस्तफा भाई आप ये वोट ले गए हैं। अब कंपैरिजन होगा बी प्राक और शेर का, चलिए आप शुरू करें। जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं। बी प्राक माजरत में आ नहीं सका, मगर आपके गाने में दर्द है, आपकी सिंगिंग में दर्द है, अगर आपको देख ऐसा ही नहीं लगता कि आपके इर्द गिर्द कहीं दर्द है। अगर शेर साहब आप शुरू करें, देखते हैं आपका गाना कैसा है। शेर साहब जीत गए, इसलिए नहीं कि भाईजान वो अपने गाने ही बड़ा मजे का गाना लगा, मजे ले लेके गा रहा है। मुझे बड़ा पसंद है जो सिंगर्स ना अपने गाने को एंजॉय करते हैं, अपने गाने से मजे ले लेके करते हैं। मुश्किल हो गया रे पापा, मुश्किल हो गया, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। कोई ना समझे मामला दिल दाए, जो भी मेरे आसानू बेवफा मिल दाए, कोई ना समझे ना। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें, नया मुझे बताओ। वे मैं थो तेरा मन परया, मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, गल गल ते शक कर दे तवार जरा भी नहीं, मैनू तेरी आँखियाँ च मेरे लिए प्यार जरा भी। हमने तुम्हें क्या हुआ, किसने तुम्हारा दिल तोड़ा, क्या हुआ मुझे बताओ, मैं सुनता हूँ तुम्हारी बातें। इस बार मैं वोट दे सकता हूँ आमना को, इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मगर मुझे लिटरली उसके गाने में काफी दर्द नजर आया। देखो इतना दर्द है कि वो तीन आंखें भी बंद करके बैठी हुई है। अब हो रहा है कंपैरिजन दो अच्छे लोगों का, जिसमें आ रहा है जुबिन और आसिफ। मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहां, आज अचानक तुमसे मिले ये तो नहीं है बेवजह, पूछो जरा इस दिल से हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हो हम जो यहाँ।
करीब है तुम्हें सवाल कहीं सपनों में जरो। मैं दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकता, मैं वर्सेस हटा के एंड लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों पसंद है। अब आ गया सबसे बड़ा कंपैरिजन, अरिजीत और आतिफ असलम। अरिजीत भाई शुरू करें आप। तड़प के आए भर भर के जले मन तेरा भी किसके मिलन को अनामिका तू ही तरसे। किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। अरिजीत और आतिफ असलम में जो है एक कंपैरिजन करना मुश्किल भी है क्योंकि आतिफ असलम ने इंडियन गाने भी गाए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडियन मूवीज़ में उसने सिंगिंग की है, तो एक किस्म का वो बॉलीवुड सिंगर भी है। तो मैं आतिफ असलम की तरफ ही जाऊंगा, इसलिए नहीं कि वो बॉलीवुड सिंगर भी है, इसलिए क्योंकि मुझे उसका गाना बड़ा पसंद है, ऑटो ट्यून वगैरह। अरिजीत ने बड़ी ट्राई मारी के बीच में उसका म्यूज़िक वगैरह चले, मगर आतिफ असलम ने बगैर म्यूज़िक के ऐसा सुर लगाया कि भाई जान दिल मज़ा आ गया। अब आप लोगों को जो रिएक्शन देना है आप कमेंट में दे दो, इस तरह की और वीडियोज़ मुझे रिकमेंड करो, आपके भाई रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर, मज़ा आ जाएगा यकीन मानो एक बार सुन के गाने वगैरह।